नमस्कार, न्यूज़ नाइन नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो महाराजगंज एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठे अधिवक्ता संघ, आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ अनुमंडल पदाधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाया। अधिवक्ताओं ने कहा कि महाराजगंज एसडीएम की मिलीभगत से स्टाम्प वेंडर 100 रुपये का टिकट 120, 130 या मनमानी रेट में बेचता है। करने पर पिछले कई महीनों से स्टाम्प की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे कार्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए आज अधिवक्ताओं का गुस्सा आसमान पर था। उन्होंने जमकर एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं टिकट वेंडर को मनोज कुमार सिंह को खोजने लगे। हालांकि मनोज कुमार सिंह नहीं मिल सका, लेकिन और तो और सबसे बड़ी बात ये रही कि वहीं सेना में बहाली के लिए जिन छात्रों को जाना है, उन छात्रों के कई कागजात अभी अधूरे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मामला यह निकल के आ रहा है कि एसडीएम जब से महाराजगंज के एसडीएम ने ज्वाइनिंग की है, आज तक एक दिन भी न्यायिक कार्य का कार्यभार नहीं संभाला है, जिसको देखते हुए कई काम पेंडिंग में है। मिलेगा तब ना हम यहाँ पे आएंगे। तो इस पर मुहर क्यों नहीं लगा है? यहाँ पे अभी जमा करेंगे तो 22 तारीख को डेट मिल रहा है, तो रिसीविंग लेकर जाएंगे अगर भर्ती में, तो वहाँ पे हम लोग को कोई नहीं रखेगा। वहाँ पे न कर्नल साहब समझेंगे न ब्रिगेडियर साहब, कोई नहीं। तो आपके सर्टिफिकेट पर जो मुहर चाहिए वो अगर कर्मचारी मुहर मारते हैं ना कि एसडीओ साहब मुहर मारते हैं? एसडीओ साहब का सिग्नेचर चाहिए इस पे ना। मुहर सिग्नेचर, मुहर तो मिल जाएगा लेकिन सिग्नेचर चाहिए। धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं। मैं सचिव अधिवक्ता संघ महाराजगंज, 20/8/2020 को नए अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू कुमार जी का आगमन हुआ है। 2020 के बाद से वे अपने चैम्बर से नीचे न्यायालय में नहीं आ सके। लगभग 5 माह हो गया न्याय कार्य से उनको अलग रहे हुए हैं। कई बार अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में उनसे मैंने जाकर बात, लेकिन न्यायालय कार्य से भागते रहे। जनता आती है भेंट करने की, हमारी यह समस्या है, किसी समस्या को बेइज्जत करके खेद देते हैं, किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। यहाँ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है या नए अधिवक्ता है, अपनी समस्याएं उन लोग को लेकर जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं कि नहीं नहीं मिलेंगे किसी से। यह न्यायालय की बात हुई कि 5 माह में एक दिन भी वह न्याय कार्य नहीं किए। फिर एक यहाँ स्टाम्प बेचने वाला एक मनोज कुमार है, मनोज कुमार सिंह नाम का एक वेंडर है, वह मनमानी करता है। 100 रुपया जिस स्टाम्प का दाम है वह 110, 120, 125, 140 जितना इच्छा उतना ले लेता। हम लोगों ने दबाव बनाया कि नहीं, 100 का 100 में मिलना चाहिए। वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी उसको गुमटी से निकाल कर एक ऑफिस में बैठा दिए, तुम करो। फिर राम जानकी पथ बन रहा है तो संघ के नाम से चिट्ठी आया कि उसमें आप लोग सहयोग कीजिए, मैं अपने अध्यक्ताओं को वहाँ भेजा। अब साथ साथ वे वेंडर को भी अपने साथ लेकर चले गए। आज महीनों से यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है। 6 ब्लॉक 7 थाना के लोग यहाँ आते हैं और बैठकर चले जाते हैं। कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, टिकट नहीं है, एक आवेदन पर साटने का टिकट नहीं है। और वो स्थानीय वेंडर है, उससे कोई बात करता है तो मारने पीटने खून खराबा पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी, एएसडीएम, जिला पदाधिकारी, लोक शिकायत पदाधिकारी सबके यहाँ किया गया कि देखिए टिकट का कालाबाजारी हो रहा है, इसे रोका जाए। हम लोगों ने लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ इस पर मुकदमा किए, एसडीओ के विरुद्ध में टिकट बेचवा रहे हैं और ये कुछ कर नहीं रहे। लेकिन उन लोग भी उनसे मिलकर हम लोगों के आवेदन को खारिज करके सीमान भेज दिया, जो अभी मुकदमा लंबित है, चल रहा है टिकट का। अनुमंडल पदाधिकारी के सामने जहां शिविर लग रहा है राम जानकी पथ लगता है और 350 में एफिडेविट बिक रहा है, उस पर वेलफेयर टिकट भी नहीं लगता है। सिर्फ 100 के टिकट को 350 में एफिडेविट करके इन पदाधिकारियों के नीचे बैठकर बेचा जा रहा है।
हम लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, जनता का पैसा है, आप 100 का टिकट बेच रहे हैं तो 100 में दीजिए और जो किल जा रहे हैं उनका कुछ फीस लीजिए, लेकिन नहीं, 350 रुपया दबंगतापूर्वक मनमानी पूर्वक SDO साहब वसूलवा रहे हैं। इन्हीं कार्यों के लेकर हम लोग आंदोलन बैठे हैं कि जब तक अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज रहेंगे यहाँ कोई सुधार नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होगा।